हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे वेल्डिंग और सोल्डरिंग के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। वेल्डिंग और सोल्डरिंग ये दोनों मेटल जॉइनिंग प्रोसेस होती हैं। तो अब बात करते हैं कि ये दोनों प्रोसेसेस एक दूसरे से कैसे अलग हैं। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग को करते समय जो दो वर्कपीस हम लेते हैं उन्हें ज्वाइन करते समय एक साथ मेल्ट किया जाता है, और मैकेनिकल ज्वाइंट बनाने के लिए कभी कभी फिलर मटेरियल का भी प्रयोग किया जाता है। जो फिलर मटेरियल है वो फ्यूज़न और नॉन प्रेशर वेल्डिंग में उसका प्रयोग करते हैं। जैसे गैस वेल्डिंग में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिकल आर्क वेल्डिंग में कम यूज़ करते हैं, और जो फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस वेल्डिंग होती हैं जैसे स्पॉट वेल्डिंग, सिम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग, परक्यूशन वेल्डिंग, फ्लैश बट वेल्डिंग, तो उसमें हम फिलर मटेरियल का प्रयोग नहीं करते। अगर हम सोल्डरिंग की बात करें, सोल्डरिंग में फिलर मटेरियल की मदद से ज्वाइंट बनाया जाता है, और जो फिलर मटेरियल हम यूज़ करते हैं फिलर मटेरियल को ही सोल्डर कहते हैं। फिलर मटेरियल को 450 डिग्री सेल्सियस से कम मेल्टिंग पॉइंट पर उसको हीट किया जाता है, या कह सकते हैं कि 450 डिग्री से कम मेल्टिंग पॉइंट का फिलर मटेरियल होता है, और साथ में बेस मेटल के मेल्टिंग पॉइंट से भी वह कम होना चाहिए। जबकि वेल्डिंग में जो टेम्परेचर होता है वो वैसे तो 450 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा, या फिर जो बेस मेटल है उसके मेल्टिंग पॉइंट के बराबर होगा, और तकरीबन 3600 डिग्री सेल्सियस तक मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर वेल्डिंग के केस में रहता है। अगर हम बात करें ज्वाइंट की, जो वेल्डिंग हम करते हैं वेल्डिंग में हमें ज्वाइंट की स्ट्रेंथ सोल्डरिंग ज्वाइंट से ज़्यादा होती है, जबकि जो सोल्डरिंग से जो ज्वाइंट बनेगा उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती है। लेकिन वेल्डिंग में मैकेनिकल ज्वाइंट स्ट्रोंग बनते हैं, सोल्डरिंग में इलेक्ट्रिकल ज्वाइंट स्ट्रोंग बनते हैं। अगर हम बात करें वेल्डिंग ज्वाइंट की, जो स्ट्रेंथ है वह बेस मेटल की स्ट्रेंथ के बराबर होती है या उससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन सोल्डरिंग में ज्वाइंट स्ट्रेंथ फिलर मटेरियल की एडहेसिव क्वालिटीज़ पर निर्भर करती है, लेकिन ज्वाइंट स्ट्रेंथ कभी भी बेस मेटल स्ट्रेंथ से ज़्यादा नहीं होती है। तो जैसे हमने बात की कि फिलर मटेरियल की बात की कि वेल्डिंग में फिलर मटेरियल का यूज़ करते हैं और करते नहीं भी हैं, कि जो बात की थी कि गैस वेल्डिंग में, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में फिलर मटेरियल यूज किए जाते हैं, लेकिन फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस वेल्डिंग में फिलर मटेरियल का यूज़ नहीं होता। लेकिन सोल्डरिंग के केस में फिलर मटेरियल के बिना सोल्डरिंग ज्वाइंट बनाना संभव नहीं है, इसलिए फिलर मटेरियल का हमेशा प्रयोग करते हैं सोल्डरिंग करते समय। अगर बात करें फिलर मटेरियल की कंपोजिशंस की, तो फिलर मटेरियल की कंपोजिशन वेल्डिंग के केस में बेस मेटल की कंपोजिशन के समान होती हैं, लेकिन सोल्डरिंग में फिलर मटेरियल लेड और टीन के अलॉय से बने होते हैं। अगर हम बात करें टेम्परेचर की, वेल्डिंग में हमें हाई टेम्परेचर पर ज्वाइंट बना सकते हैं या ज्वाइंट बनाते हैं हाई टेम्परेचर पर, लेकिन जो सोल्डरिंग होती है इसमें लो टेम्परेचर पर जो मेटल्स हैं उनको ज्वाइन किया जाता है। और जैसा कि जो वेल्डिंग से हम ज्वाइंट बनाते हैं वो स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट बनते हैं ताकि वो सभी मैकेनिकल स्ट्रेस या फिर जो लोड है उसको कैरी कर सकें, और जो ज्वाइंट सोल्डरिंग से बनते हैं वो स्मॉल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जैसे कैपेसिटर, रजिस्टर को हम इलेक्ट्रॉनिक पैनल के साथ जोड़ते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकली ज्वाइंट होते हैं मेटल्स के बीच में, ताकि जो इलेक्ट्रिकल लोड है उसको विदस्टैंड किया जा सके। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो डी सिमिलर मेटल्स की हम बात करें, वेल्डिंग के द्वारा एक दूसरे में इनसोल्यूबल डी सिमिलर मेटल्स को वेल्ड नहीं किया जा सकता, लेकिन सोल्डरिंग में एक दूसरे में इनसोल्यूबल डी सिमिलर मेटल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बात आती है बेस मेटल प्रॉपर्टीज़ की, वेल्डिंग करते समय पेरेंट या बेस मेटल को मेल्टिंग टेम्परेचर तक हीट किया जाता है, जिसके कारण बेस मेटल में मेटलर्जिकल डैमेज और प्रॉपर्टीज़ में बदलाव आ जाता है। लेकिन सोल्डरिंग प्रोसेस के केस में बेस मेटल की हीटिंग नेग्लिजिबल होने के कारण बेस मेटल के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ में कोई खास बदलाव नहीं आता। अगर हम बात करें वेल्डिंग करते समय वर्क पीसेस को क्लीन करना पड़ता है, सोल्डरिंग में हम बिना क्लीन किए वर्क पीस को ज्वाइनिंग की जा सकती है। अगर हम बात करें कि स्किल्ड की बात करें कि जो स्किल्ड ऑपरेटर हमें चाहिए, वेल्डिंग के केस में हमें स्पेशल ट्रेनिंग देनी पड़ती है ऑपरेटर को, या फिर स्किल्ड ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन सोल्डरिंग के केस में हमें कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं देनी इसको परफॉर्म करते समय, या कोई स्किल्ड ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
अब बात करें प्री हीटिंग ऑफ वर्कपीस। वेल्डिंग करते समय हमें वर्कपीस की प्री हीटिंग की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन सोल्डरिंग में वैसे तो प्री हीटिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर हम प्री हीटिंग कर लेते हैं वर्कपीस की तो उससे ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। उसके बाद आता है कि हीट सोर्सेज क्या होते हैं दोनों प्रोसेसेस में। वेल्डिंग के केस में हीट सोर्स होते हैं इलेक्ट्रिक आर्क होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, प्लाज्मा होता है, लेज़र होती है। जबकि सोल्डरिंग प्रोसेस में सोल्डरिंग आयरन, अल्ट्रासाउंड, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और ओवन हो सकते हैं। अगर हम बात करें जो ज्वाइंट बनते हैं उनके टेंसाइल स्ट्रेंथ की, वेल्डिंग प्रोसेस से बनने वाले ज्वाइंट की जो स्ट्रेंथ होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो 200 मेगा पास्कल से ज़्यादा होती है, लेकिन सोल्डरिंग प्रोसेस से बनने वाले ज्वाइंट की स्ट्रेंथ 75 मेगा पास्कल से कम रहती है। वेल्डिंग के केस में डिस्टोर्शन ज़्यादा होता है, सोल्डरिंग के केस में डिस्टोर्शन कम होता है। उसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशंस की, कहाँ कहाँ इनका इस्तेमाल किया जाता है, तो जो वेल्डिंग प्रोसेस है इसको हम जो बॉयलर की कंस्ट्रक्शन या मेंटेनेंस करनी है, प्रेशर वेशल के में, टैंक्स में, ब्रिजेस में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, फर्नेसिस में, ऑटोमोटिव, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज इत्यादि में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और सोल्डरिंग की अगर हम बात करें, सोल्डरिंग को हम इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ में इसका प्रयोग करते हैं। स्मॉल असेंबलीज की जो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं उनको ज्वाइन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया कि कैसे वेल्डिंग प्रोसेस सोल्डरिंग प्रोसेस से अलग है, इनमें क्या क्या डिफरेंस हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।